अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम शुरू माया के अंदर जैसे कि स्नूकर का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इसका पूरा टेबल विद टेक्सचर जो है वो मॉडल कर लिया था, टेक्सचर कर लिया था। आज हम इसकी एनिमेशन पे काम करेंगे और किस तरह से एनिमेट करेगा वो भी देखते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम कैरेक्टर मॉडलिंग बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन, इसकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो रही है। मे बी नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू करा दूँ, उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट से शुरू हो जाए। अगर नेक्स्ट क्लास से नहीं भी हुई तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो हमारे वो जो सब्सक्राइबर जो कि इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं अभी तक क्यों कैरेक्टर मॉडलिंग की कोई क्लास नहीं हुई, तो क्लासेस तो पहले हो चुकी है लेकिन अब जो है तरीके के साथ, जो बिल्कुल तरतीब के साथ आपकी कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन वगैरह की क्लासेस होंगी। तो उम्मीद है आप लोग सब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक भी और शेयर भी कीजिएगा। तो आपको लेकर आ जाता हूँ यहाँ से स्क्रीन पे। और माया में आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जो है ये स्नूकर टेबल यहाँ तक मॉडल कर लिया था, ठीक है। ये आप स्मूथ मोड देख रहे हैं, अगर आप वन प्रेस करेंगे ये इसका रिजिड मोड है, ठीक है, सब स्क्वायरिश हो जाता है। और अगर आप थ्री दबाते हैं तो ये हो जाता है इसका रिजिड स्मूथ मोड, ठीक है। तो ये और हमने बॉल्स के सबके टेक्सचर किए थे, आपको याद होगा मुख्तलिफ नंबर्स के, और आपको बताया था कि अगर आप इन नंबर्स को चेंज करना चाह रहे हैं जैसे 5, 4, 3, 2, 1 जो भी, तो अपनी मर्ज़ी के नंबर्स आप रख सकते हैं, गूगल पे आपको सब मिल जाता है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे, और आप अगर चाहें तो इसको आप गूगल से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आवाज़ के बारे में काफ़ी लोगों ने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। वैसे अरीना नॉर्थ कराची आप लोगों को आवाज़, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग चेक की है, वॉइस आ रही है सही, तो बस सही है। फिर यही माइक रहने देते हैं, ये बोया का M1 माइक है, आप लोगों को बता देता हूँ ताकि वो जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी का साउंड चाहते हैं उनके लिए सस्ता और टिकाऊ माइक है, यानी कि तकरीबन 2000 के अंदर आपको मिल जाएगा ये माइक। और सदर से अगर आप लेते हैं या फिर अगर आप दराज से मंगाते हैं तो इतने ही का आपको तकरीबन वहाँ भी पड़ जाएगा। अच्छा, अब ये एनिमेशंस की बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो इसको टेबल को बना दूँगा पैसिव रिजिड बॉडी, क्योंकि स्टैटिक है, तमाम बॉल जो है वो एक्टिव रिजिड बॉडी होंगी क्योंकि मूवमेंट में होंगी, और ये वाला बॉल ये भी एक्टिव में होगा क्योंकि मूवमेंट में होगा, लेकिन ये जो स्टिक है ये होगा पैसिव, क्योंकि पैसिव रिजिड बॉडी होने के साथ साथ हम इसकी एनिमेशन भी करेंगे। ग्रेविटी किस पे लगेगी? ग्रेविटी लगेगी आपके इस वाले बॉल पे लगेगी, ग्रेविटी इन तमाम बॉल्स पे लगेगी, लेकिन ग्रेविटी अगर नहीं लगेगी तो स्नूकर टेबल पे नहीं लगेगी और स्टिक पे नहीं लगेगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं, और काफ़ी लोगों ने समझ लिया होगा, अगर आज आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसकी शुरू की 2-3 क्लासें मौजूद हैं, वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको सही समझ आ जाए कि ये पूरा स्नूकर टेबल कैसे मॉडल हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब जो है सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, और यहाँ से आपने आ जाना है एफएक्स पे। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो कि मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आ जाता हूँ एफएक्स के बाद फील्ड सॉल्वर, और फील्ड सॉल्वर में आप यहाँ से लगाएंगे क्रिएट एक्टिव रिजिड बॉडी, क्या क्रिएट एक्टिव, बल्कि ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव होगा, टेबल है ना, तो हम इसको देंगे क्रिएट पैसिव रिजिड बॉडी। जो चीज़ भी मूवमेंट में नहीं है, स्टैटिक है, जैसे दीवार हो गई, टेबल हो गया, तो वो हम देंगे क्रिएट पैसिव रिजिड बॉडी। इस पर कोई ग्रेविटी नहीं लगेगी, जबकि चेक नहीं लगाना पड़ता, वो उसके सेटिंग है, वो जो बॉक्स आ रहा था ना वो उसकी सेटिंग है। बाकी ये तमाम जितने भी बॉल्स हैं आप कंट्रोल दबा के इसको आउट कर सकते हैं, आप शिफ्ट दबा के इसको मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें बताएंगी कि अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन ले रहे हो तो किसी को आउट करना है, किसी को डी सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे तो वो आउट हो जाएगा, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल सिलेक्शन में आ जाएगा, यानी इनके अलावा इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, दोनों को एक साथ में लगाने जा रहा हूँ, यानी ये तमाम बॉल्स और ये वाला बॉल, इन पे क्या लगेगा? वेरी गुड, फील्ड सॉल्वर में जाके क्रिएट एक्टिव रिजिड बॉडी, ये इसकी सेटिंग है, इसको हम नहीं छेड़ रहे, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं। तो एक्टिव रिजिड बॉडी कर दिया इसको, लग गया है या एक्टिव रिजिड बॉडी लगा चुका है, ये हर बॉल का नाम दे रहा है, रिजिड बॉडी 2, रिजिड बॉडी 3, रिजिड बॉडी 4, ये सब बॉल्स के नाम है, जो कि स्फेयर 1, स्फेयर 2, स्फेयर 3, स्फेयर 4, इनका नाम स्टिक कर दिया रिजिड बॉडी, यानी कि वो रिजिड बॉडी का मतलब है कि इन पर डायनेमिक्स लगा हुआ है। अब सेकेंड आप ये करेंगे कि ग्रेविटी लगाएंगे, ये तमाम सिलेक्ट होने चाहिए, आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से ले लेंगे ग्रेविटी, ग्रेविटी भी ले ली, ग्रेविटी भी ले चुका हूँ, और इसको आपने पैसिव रिजिड बॉडी करना है स्टिक को, और शिफ्ट दबा के इसको भी क्लिक कर लें दोनों को, यानी टेबल को भी क्लिक किया, शिफ्ट दबा के स्टिक को भी क्लिक किया, टेबल को कर चुका हूँ, यस,
मैं कैसे टेबल को कर चुका हूँ, शुरू में ही मैंने टेबल को मैंने लगाया था, मैं भूल गया था सॉरी। और आखिरी ये रह गया स्टिक, स्टिक को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, वेरी गुड। फील्ड सॉल्वर में आके यहाँ से क्रिएट पैसिव रिजिड बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये अब आप बोलोगे सर ये तो मूवमेंट में है, ये तो एनिमेशन में आने वाला है, ये तो अभी मूव करेगा, तो फिर ये क्यों पैसिव है, ये क्यों एक्टिव नहीं है, इसको हम मूव करवा रहे हैं, यानी कि ये पैसिव रिजिड बॉडी है, क्योंकि एक्टिव रिजिड बॉडी जो है ना वो डायनेमिक्स के हवाले हो जाता है, यानी कि अगर आप इन बॉल्स को देखें तो वो डायनेमिक्स के कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में रहेगी, ये डायनेमिक्स के अंदर होते हुए भी कंट्रोल में आपके रहेगी, जबकि ये सारे बॉल्स आपके कंट्रोल में नहीं है जब तक कि ये बॉल इनको हिट नहीं करती। जैसे ये बॉल इसको हिट करती, क्योंकि आपने बॉल को हिट किया है, आप बॉल को हिट करोगे बॉल इसको हिट करेगी और ये अलग अलग पोजीशंस में मूव हो जाएंगी, ठीक है, डन हो गया। तो क्या देंगे यहाँ पे, पैसिव रिजिड बॉडी, क्रिएट पैसिव रिजिड बॉडी, ये भी हो गया। अच्छा अब देखो प्ले करने पर क्या होगा, अगर ये पैसिव नहीं होता ना तो बॉल इसके अंदर से निकल जाती है, अब देखते हैं क्या ऐसा वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको मैं फ्रेम पहले बढ़ा देता हूँ, यहाँ से तकरीबन मैं इसको 500 फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ज़रूरी है 500 करें, आप 200 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करके ये जो आपका एनिमेशन ये तो ऑटो की ऑन है, आपका ऑटो की ऑफ कर दें, अभी ऑटो की ऑन रखने का कोई जवाब पैदा नहीं होता, क्योंकि एनिमेशन ये खुद कैलकुलेट करेगा, हम नहीं करेंगे, वो तो अलग बात है कि हम स्टिक को, हाँ एक चीज़ है कि ऑटो की ऑन इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी स्टिक की एनिमेशन हमने नहीं बनाई है। तो स्टिक की एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर एक जैसे ऐसा गेम की तरह दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑटो की मैंने ऑन कर दिया यहाँ से, ठीक है, और इस स्टिक को मैंने यहाँ क्लिक करके एस दबा दिया, एस दबाते की लग गई, देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का हैंडल आ गया, देख रहे हैं रेड कलर की लाइन आ गई है, इसका मतलब कि इस हैंडल पर एनिमेशन लग गई है। और अगर आप इसके चैनल एडिटर पर जाएँ तो आपको दिखेगा कि तमाम पे एनिमेशन कीज़ ऑन है। अगर आप आ जाएँ यहाँ से तकरीबन चले मैं 10 फ्रेम पे आता हूँ, 10 या 11 फ्रेम पे, और यहाँ जानबूझ के मैं इसको पीछे मूव करता हूँ। अच्छा ये गिज़्मो आप देख रहे हैं हैंडल ऐसे आ रहा है, ये यूँ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं गिज़्मो जो है एरो इसका जो है वो कुछ ऐसे आने की बजाय ऐसे आए इस तरह, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर मूव टूल पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आप इसका जो इसमें आई थिंक वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, वरना ये रहा एक्सिस ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ से कर देंगे वर्ल्ड। अब आप इसको देखें क्या हुआ, वर्ल्ड करते ही ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मैं चाह रहा था। अब मैं इसको ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ, पहले मुझे ऐसे ऐसे मूव करना पड़ता, वो भी बुरा नहीं है, अगर स्टिक ऐसे करके ऐसे आती तो भी कोई बुरा नहीं था। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर आप ये काम करें, फिर आप इसको वर्ल्ड ना करें, देख लें आप ऑब्जेक्ट करते हैं तो फिर ऐसे आएगा, स्टिक ऐसे आके हिट होगी, नीचे आके इसको हिट होगी, मर्जी है, अगर आपको ये चाहिए तो ये रखें वरना वर्ल्ड कर दें, तो ऐसा हो जाएगा, वर्ल्ड कर लेते हैं। अच्छा अब मैं इसको 10 पे लेकर आके जैसे ही पीछे मूव कर रहा हूँ, मैक्सिमम जितना लेके जा सकता था मैं लेके चला गया, आप देखिए की नहीं लगी है, ऑटो की हालांकि ऑन है, कोई बात नहीं, आप एस दबा दें और चेक करें क्या ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, ओके सम हाउ, चले बॉल का तो देख लेंगे अभी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये फिर 20 नहीं बल्कि थोड़ा जल्दी तकरीबन 13 फ्रेम या 14 फ्रेम पे ये या 15 फ्रेम पे ये जो है इसको हिट करे, तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ आगे मैक्सिमम, शायद नीचे करना पड़े, अब देखते हैं। मैंने हिट तो कर दिया इसको और एस दबा देता हूँ दोबारा, की लग गई है, और अब आप देखें ये इस तरह से, ठीक है ओके। अब इसको डायनेमिक के थ्रू कैलकुलेट कराते हैं कि इन पे ग्रेविटी लगाई थी मैंने, भूल तो नहीं गया था मैं, गया पक्की बात, चले ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं हवा में, ये मुझे डाउट है कि शायद, या फिर इसको मैं अभी रिजिट करता हूँ, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, यानी इसका ग्राफिक कार्ड पे लोड आ रहा है, क्योंकि ये भी स्मूथ है और उसमें एजेस बहुत सारे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। इसको मैं रिवाइंड करता हूँ और एक दफ़ा प्ले करके देख लेते हैं, बहुत तेज़ है, इतना तेज़ है कि वो गोली की तरह चला गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टिक की जितनी भी एनिमेशन है, लेकिन पता है आपको मालूम है कि यहाँ बड़ा इशू है, एक माया के अंदर एक बग इशू है या पता नहीं क्या, कि ये कीज़ अगर मैं दूर भी कर दूंगा ना तो भी वो पुरानी एनिमेशन जो है वो कैलकुलेट करेगा, ये याद रखिएगा, ये मसला आता है इसके अंदर। अगर मैं इन कीज़ को दूर दूर कर देता हूँ ये वाला हैंडल पकड़ के,
दूर तो कर दिया मैंने, लेकिन ये पुरानी की जो यहाँ लगी हुई थी पहले से, ये लॉक कर लेता है एसओ की वजह। देखें क्या कर रही है, बेकार से लॉक करा हुआ है, इसका मतलब वो एनिमेशन हट नहीं रही है। और अगर मैं इसको अंडू उतना करूँ कि ये सारी एनिमेशन हट जाए सारी की सारी, पहली की लग चुकी है, देखें बाकी की हटी है कि नहीं, हट गई है, बाकी की हट चुकी है। अब मुझे चूंकि पता है कि मुझे इसको 50 तक ले जाके बैक लेना है या 40 तक ले जाके बैक लेना है, तो मैंने ऑर्डर की तो ऑन किया हुआ है, मैं इसको पैक लेता हूँ, लेकिन मुझे की लगानी ही पड़ेगी। एस दबा रहा हूँ और हिट कर रही है तकरीबन 70 फ्रेम पे। ग्रेविटी थोड़ी देनी पड़ती है, वो सब भी हट गई, नहीं वो सब नहीं हटी, कीज है ना आपको याद है, एक की रह गई थी, तो एक की जब तक रह गई थी वहाँ तक की सारी चीज़ें उसने हटा दी हैं, उससे पहले आपको याद है ग्रेविटी वगैरह में लगा चुका था। अब मैं एस दबा देता हूँ, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या शुरू से वही पुरानी एनिमेशन तो नहीं चल रही है। अब सही है, बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। रिवाइंड करते हैं, प्ले करते हैं, हैवी है, प्ले करके देखते हैं। बॉल सेटल हो गया, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया, लेकिन शायद एक बॉल चला जाएगा, है ना, एक बॉल मुझे लगता है चला जाएगा। वेरी गुड, एक निशाना सही लग गया, चले अच्छा हो गया। बहरहाल इसकी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसका कोई वो इशू नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, इसको कैलकुलेट करवा लेते हैं, ये लग तो गया है, इसको स्मूथ बाद में लगाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन सारी हो जाएगी। अभी देखिए सिमुलेशन में कौन कौन है, सिमुलेशन में ये सारे बॉल्स हैं जिसको हम ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे बॉल्स, और ग्रेविटी को नहीं करना सिलेक्ट, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर ले, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर ले, शिफ्ट दबा के ये सारे के सारे, यहाँ से भी हो सकता है बिल्कुल, इन तमाम को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे वो ऑब्जेक्ट है जो कि सिमुलेशन में इन्वॉल्व है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जो है टेबल, इसलिए कि डायनेमिक्स में तो है ना, इसमें भी की लगानी पड़ेगी। बहरहाल मैंने इसको शामिल कर लिया, आप देखिएगा अभी की कैसे लगेगी। की आपको याद होगा एडिट में जाके कीज़ का ऑप्शन आता है, और कीज़ में जाके यहाँ से आप करते हैं बेक सिमुलेशन, एडिट कीज़ बेक सिमुलेशन, जैसे आप क्लिक करेंगे ये एनिमेशन लगाना शुरू कर देगा। अभी कीज़ बाकायदा लग जाएंगी और आप जब रेंडर करोगे ना, बेहतरीन रेंडर होने वाला है और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आप स्क्रबिंग करके कहते हैं ना कि स्लाइडर को आगे पीछे मूव करोगे तो भी स्मूथली। आपको याद है मैं स्लाइडर जब मूव कर रहा था तो लैग कर रहा था, कंप्यूटर हैंग हो रहा था और बार बार जो वो सिमुलेशन में चला जाता था और मैं देख भी नहीं पा रहा था एनिमेशन कैसे हो रही है, लेकिन अब देख पाऊंगा। अच्छा वो गोल अब नहीं हुआ है, चले कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कीज़ लग चुकी है और अब अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो भी ये चलेगी। आई होप आ तो जाए, पहले देखा आपने जैसे वीडियो चलाते हैं ना वैसे चल रहा है, ये बोल तो वो वाइट वाली जा रही है। अभी एनिमेशन थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन ये है कि हमने सिमुलेशन कराई तो फाइनल एनिमेशन दिखा रहा है, यानी अगर आप इसको किसी भी एंगल पर रख के, अब अगर आप 3 भी दबा दोगे ना तो आपको स्मूथ मोड में भी दिखाएगा। सर एस, वो पहले कंट्रोल एस, कंट्रोल एस सेव कर लें। हाँ सही कह रहे हैं कि लाइट का कोई पता नहीं होता, या कंप्यूटर का भी कोई नहीं पता होता कब बंद हो जाएगा कब हैंग हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा हैवी फाइल है। बैराली हो गया, इसको प्ले करके देखते हैं। और आइए अभी भी हो रहा है, वन प्रेस किया इसको, थोड़ा सा जूम आउट किया, 3 दोबारा प्रेस कर लिया और एक दफ़ा प्ले करके देख लें आप यहाँ से। अच्छा बॉल्स को थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, मैंने बॉल को हवा में उठाया हुआ है, इस वजह से आप देख रहे हो कि वो गिरने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं जब आप अगर इसको थोड़ा नीचे ले लोगे, थोड़ी और कसर रहती तो ये बॉल चाहने वाला था, ये बॉल चला जाता। चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आ गया समझ में। इस तरह आप किसी भी एंगल से इसकी एनिमेशन कैलकुलेट करवा सकते हैं। अगली क्लास की फाइनल क्लास होगी और हो सकता है हम अगली क्लास में कैरेक्टर मॉडलिंग शुरू कर दें, और या फिर ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में उसके ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि हम कैरेक्टर मॉडलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो लोग प्रोडक्शन में अच्छा कमाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अरीना नॉर्थ कराची में यहाँ से भी माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो है वो इस फील्ड में गए हैं, मैंने खुद भेजा है, वजह ये कि यहाँ से उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था माया का,
और उनके लिए जो ऑफर आई थी वो 75,000 70,000 तक की थी कि उनको 8 आवर्स की जॉब थी, सिर्फ माया उनको आना चाहिए, तो 8 आवर्स की जॉब थी, ज़्यादा 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, और उसमें उनकी सैलरी जो थी वो 70,000 थी, और प्लस ये कि प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारे हैं, इवन आखान हॉस्पिटल के सामने जो पेट्रोल पंप है उसके गली के अंदर भी प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरे जानने वाले माशाल्लाह तो उनके अक्सर इस तरह के आते रहते हैं। तो और भी दूसरे लोग भी हैं जो फ़ोन करके जो है वो बच्चों की डिमांड करते हैं कि हमें माया का कोई ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो अच्छा प्रोफेशनल हो। तो अब इंशाल्लाह आप प्रोफेशनलिटी की तरफ जा रहे हो, अब कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन आ रहा है, और इसलिए आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो और ख़ास तौर पे कैरेक्टर मॉडलिंग, कैरेक्टर रिगिंग, कैरेक्टर एनिमेशन आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।